जिक्र में शामिल मेरा नाम हो ओ देश मेरे। वंदे मातरम कभी याद करे जो जमाना माटी पे मर मिट जाना जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। फौज में कुछ वर्ष अपनी सेवाएं दी और स्वतंत्रता के पश्चात इंडियन आर्मी में अमूल्य योगदान दिया। 12 नवंबर 1997 कभी तू चुने रेशम का हो मधुशाला या कफन सिपाही। अभी हमें जो हमारे आज के जो मुख्य अतिथि हैं उनको भी हमें सुनना है। जैसे ही ये कार्यक्रम में हम शूर वीर हम मातृभूमि हित जीते मातरम सुजला की संताने हम मातृभूमि हित जीते इतिहास गवाही दे वीर हम भरत पुत्र सिंहों से खेला करते हम शीतला। ये जो आजाद हिंद फौज के क्रांतिकारियों के सम्मान में जो आयोजित कार्यक्रम हुआ है और ये बहुत एक बड़े भव्य तरीके से जहाँ पर इसके जो संयोजक हैं प्रांतीय जो इसके महामंत्री हैं श्री रतन शर्मा जी और उन और दूसरे लोगों ने आकर के जहाँ पर बहुत बड़ा एक योगदान दिया इस कार्यक्रम के लिए। हमारे यहाँ के डिप्टी जो कमिश्नर हैं बबिल्ला रकवाल जी वो भी यहाँ पर उपस्थित थे। सभी संगठनों के लोग जहाँ पर उपस्थित थे और ये इसका उद्देश्य जैसे आपने कहा कि उद्देश्य इसका ये है कि जो हमारे बहुत देर पहले स्वतंत्रता सेनानी जो है और स्वतंत्रता सेनानियों ने जिन्होंने युद्ध में इस देश को अयार कराने के लिए अपनी प्राणों की बलिदान दिया है उनके जो परिवार हैं उनके परिवारों को सम्मानित करना ताकि उनको प्रोत्साहन मिले कि भई हमें भी इस प्रकार का ऐसा देश के प्रति अच्छा काम करना चाहिए, देश की रक्षा के लिए आगे बढ़ना चाहिए और देश को और आगे बढ़ाना चाहिए। बच्चों को नैतिकता आए, बच्चों को अनुशासन आए, बच्चों का एक सही मायने में जो एक उसके लिए जैसे कहा गया है कि बच्चे हमारे देश का कर्णधार है और सब कुछ है लेकिन बच्चों यदि इनमें कोई किसी प्रकार की कोई कुरीति आ गई कोई दुर्व्यसन आ गया तो बच्चे अच्छे प्रकार से आगे बढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए उन कुरीतियों को उन दुर्व्यसनों को छुड़ाने के लिए देश को आगे बढ़ाने के लिए और देश में जितना भी सारे कार्यक्रम हैं ये इनको एक ठीक प्रकार से व्यवस्थित करने के लिए ये कार्यक्रम किया गया है। और जहाँ आज़ादी के इसके इस महोत्सव में जो 23 वर्षों के बाद कभी किसी ने इस प्रकार की ऐसी बात को नहीं देखा और लेकिन अब लोग जो हैं चाहे वो कश्मीर के लोग हों चाहे वो जम्मू के लोग हों वो बिल्कुल प्रसन्न हैं कि हमारा देश हमारा ये स्टेट जो है ये भाई ठीक प्रकार से चल रही है। ये अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ एक शिक्षक संगठन होने के नाते हमारा यह दायित्व बनता है कि हम आने वाली जो युवा है नई पीढ़ी है उसको यह हमारी हमारा जो भारत है वो महान परंपराओं वाला देश है और उन परंपराओं की और जिन लोगों ने इस देश को आज़ाद करवाने में इस देश को महान बनाने में जो भूमिका निभाई है उनको याद करें। इसी उपलक्ष में आज़ाद हिंद फौज में जिन्होंने अपने बलिदान दिए जिन्होंने काम किया था उसके उपलक्ष में हमने यह कार्यक्रम रखा था और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम युवाओं को यह संदेश देना चाहते हैं कि इस समय जो भारत है वो बदलता भारत है, बदलते भारत को में हम लोग आने वाले समय में इस भारत को पुनः विश्व गुरु पुनः विश्व शक्ति बनाना चाहते हैं। उसमें युवाओं की और पूरे समाज की एक बहुत बड़ी भूमिका है। जे जब पूरा समाज आने वाले जो युवा आने वाले हमारे जो बच्चे हैं वो इस लक्ष्य को लेकर के जब आगे बढ़ेंगे तो हम निश्चित रूप से आने वाले कुछ वर्षों के अंदर ही भारत सरकार का जो सपना है कि वो इस देश को पुनः विश्व गुरु विश्व शक्ति बनाना चाहती है हम इस देश को विश्व गुरु विश्व शक्ति हम दोबारा बना पाएंगे। इस लक्ष्य हेतु हमने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था।